अरे रोहिल चला गया? जी, उसकी किसी कमर्शियल की डबिंग थी। अच्छा, ये बताओ कैसी रही रिहर्सल? अच्छी थी, काफी हेल्प मिली। और रोहिल? वो भी अच्छा है, बुरा इंसान नहीं है, मगर शायद इस शोबिज की दुनिया में रहते रहते हर खास चीज आम लगने लगती है, चाहे वो अंदाज हो या रवैये। मुझे खुशी है, खुशी है कि तुम लोगों को और चीजों को होश में रह के परख रही हो। मदहोशी ने तो वहां ला खड़ा किया है जहां होश असर ही नहीं करता। ख्वाब हम देखते हैं लेकिन जिंदगी तो हम गुजारते हैं ना। इससे कड़वी और सच्ची हकीकत और क्या होगी? दोस्ती हुई रॉयल से? हाँ शायद, उसका अंदाज काफी क्यूट और नेचुरल था, और बनता भी है, स्टार है, और वो जैसे भी बात करे समझ आ जाती है। लेकिन अब मेरे लिए किसी के भी अल्फाज ना अहमियत नहीं रखते। अगर वो अपनी कही हुई बातों पे कायम रहेगा तो दोस्ती रहेगी, क्योंकि अब खुदा के बाद हनी सिर्फ खुद पर यकीन करेगी। बस यही तो चाहिए, फिर हर मंजिल तुम्हारी होगी और तुम्हारे मुताबिक होगी। कभी घाटे का सौदा नहीं करोगी तुम। मंजिल तो अब यही है, और इज्जत के अलावा हर सौदा कर लूंगी। रोहिल के लहजे और आंखों में इज्जत नजर आती है। जब तक इज्जत रहेगी तो साथ काम करेंगे, और जहां तक उसकी नेचर की बात है ना, काफी अच्छा है। मून के अलावा कोई दिखे तो ना, लेकिन मसला भी है कि मैं उसे भी नहीं देखना चाहती जो सब रिश्तों से बढ़ के था। तुम्हें पता है मैंने रिश्तों पे यकीन किया और ये रिश्ते खा गए मुझे। दुआ करें कि जो आपने सिखाया वो मैं जल्दी सीख जाऊं, कि वक्त से पहले थक ना जाऊं। वक्त से पहले कई हादसों से लड़ी हूं मैं, अपनी उम्र से कई साल बड़ी हूं। वक्त और रिश्ते जो तुम्हें सिखाएंगे वही तुम्हें मजबूत बनाएंगे, तुम में आगे बढ़ने की और सीखने की लगन है। बस इतना याद रखना कि कभी भी जोश में होश मत खो बैठना। आजकल के दौर में दूसरा चांस नहीं मिलता। ओफो, मैं भी बोलना शुरू करती हूँ तो चुप होना भूल ही जाती हूँ। चलो उठो, तैयार हो जाओ। तुम्हें पता है ना कल सुबह शूट है। हाँ, थोड़ा सा आराम कर मेरी जान। चलो शाबाश मेरी जान, उठ जाओ। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।